आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और आज बात करेंगे अगस्त के पहले हफ्ते में जो ट्रेंडिंग वैकेंसीज, जो ट्रेंडिंग टॉपिक निकला है, भर्ती निकला है, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे देखो, ऐसे तो भर्ती बहुत सारा निकलता है, 10 पोस्ट, 12 पोस्ट, ब्लॉक डिपार्टमेंट पर, पंचायत डिपार्टमेंट में। मैं सबकी बात नहीं करता हूं, मैं उसकी बात करता हूं जो वैकेंसी ट्रेंडिंग में है, जो आप सभी को जानना चाहिए। और ये हर हफ्ता के बेसिस पर एक वीडियो आप सभी के पास लेकर आता हूं, तो हर एक वीडियो का जानकारी आप सभी को मिलता रहे और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिलता रहे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि एक भी वीडियो हमारा जो है वो मिस ना हो। अब बात करते हैं कौन कौन सा वैकेंसी निकला है उसके बारे में। पहले फॉर्म की बात करो तो पहला फॉर्म है आपका ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये फॉर्म कब निकला था, मोटा मोटी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज, हर एक चीज इसके बारे में बता दूंगा। 4,150 से ज्यादा पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया, और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो रिलीज हुआ है आपका 29/7/2020 को, और जो लास्ट डेट है वो है आपका 17 अगस्त फॉर्म फिलअप करने का। साथ में आप देख लो एक बार यहां पर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। अब यह जो फॉर्म फिलअप होगा ना, यह जॉब जो है वो परमानेंट नहीं है, ये पहले मैं आप सभी को क्लियर कर दे रहा हूं। जो भी एक्ट है, इस एक्ट के तहत आपका जॉब लगने के बाद आपको 10,000 से 12,000 जो है वो महीने दी जाएंगे, और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 1 रुपए भी आपको देना नहीं पड़ेगा, ना आपका रिटर्न एग्जाम होगा। आपके जो भी नंबर है एग्जाम में, क्वालिफिकेशन जो मांगेगा उसके आधार पर आपका जो है वो चयन किया जाएगा। हर एक चीज मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूं, तो आप फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। अब देखो यहां पर अलग अलग स्टेट का, अलग अलग सेंटर का जो है, और यहां पर मेंशन किया गया है 21 वर्क सेंटर, यानी जो भारत में 21 सेंटर है ONGC का, वहां पर आपको जॉब मिलेगा। देहरादून में देख लो 180 पोस्ट है अलग अलग, अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, उसके बाद से आपका इलेक्ट्रिक मैकेनिक, फिल्टर फिटर का है, ठीक है, अलग अलग। दिल्ली ONGC, जोधपुर और नॉर्थन सेक्टर में टोटल 228 पोस्ट है। इसी तरह आपका देख लो मुंबई जोन में, मुंबई, गोवा, हाजीरा, इसका उर्वन, इसमें मुंबई सेक्टर में 764 पोस्ट है, ये ऑफिशियल दिखा रहा हूं। इसी तरह हर एक सेंटर का बारे में यहां पर दिया गया है, यानी ओवर इंडिया यह नौकरी आपका निकाला गया है ONGC के तरफ से। अब इंपॉर्टेंट बात आता है एज को लेकर, तो इसको एक बार अच्छे से आप सभी इस लाइन को पढ़ लेना। यहां पर बताया गया है आपका जो उम्र है वो 18 से 24 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और अगर फिर भी आपके माइंड में डाउट रह जाता है तो आप ये देख लो कि 17 अगस्त 1996 से 17 अगस्त 2002 के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अब कोई डाउट आपके माइंड में रहेगा नहीं, ठीक है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल का जो है वो छूट दिया जाएगा, OBC के लिए 3 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो है वो क्वालिफिकेशन है। अगर आपको अकाउंटेंट के लिए, पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए ग्रेजुएशन का डिग्री मांग रहा है BA और BBA में, उसके बाद आप सभी का ITI अलग अलग है। ये मैं पूरा नोटिफिकेशन ना आप सभी को डाल दूंगा, इस नोटिफिकेशन का पूरा लिंक आप सभी जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब अलग अलग चीज कर बात करता हूं। यहां पर अगर मैं और आप सभी को बात करूं, जो ट्रेनिंग पीरियड होगा ना वो 12 महीने का होगा आप सभी का, ठीक है। सिर्फ लाइब्रेरी असिस्टेंट को छोड़कर जितने भी पोस्ट है, हर पोस्ट का 12 महीने का ट्रेनिंग होगा लाइब्रेरी असिस्टेंट को छोड़कर, क्योंकि लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो पोस्ट का ट्रेनिंग होगा वो मात्र 6 महीने का होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और आप ONGC के साइट पर जाकर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया, प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है आपका, जो भी आपका मार्क्स आया है ना आपके क्वालिफिकेशन में, आपके एग्जाम में, उसके ऊपर जो है और मेरिट लिस्ट के ऊपर आपका नाम जो है वो कंसिडर किया जाएगा, यानी आपका इसमें रिटर्न एग्जाम बिल्कुल नहीं होने वाला है, पहला चीज ये क्लियर। और आपको मेन चीज क्या करना है, यहां पर 5 नंबर थोड़ा डार्क के दिया गया, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या बोला है, ONGC शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटिस ड्यूरिंग एंड और आफ्टर द कंप्लीशन। हाँ, यहां पर देख लो, यहां पर एक चीज में जैसे मैंने आपको बताया कि आप सभी को ना यह भी बता दिया गया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी
और आप यहाँ पर ONGC के साइट पर जाकर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पैसा लग नहीं रहा है, क्वालिफिकेशन आपके पास है, अप्लाई कर दो, क्या जाता है। अगर 10-12 हज़ार भी महीने आते हैं तैयारी करेंगे साथ साथ में, तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर बहुत कम होगा, ठीक है। अगर दूसरी फॉर्म की बात करें हम, कि दूसरा और क्या निकला है वैकेंसी हमारे सामने, और एक चीज आप यहां पर और देख लेना, यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। यहां पर देखेंगे आप सभी, आप अप्लाई कहां से कर सकते हैं, तो www.ongapprentice.ongc.co.in पर, यहां पर, ठीक है। और 29 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट आपका 17 अगस्त है, और रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा आपका, 24 अगस्त को, ये याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। अगला जो वैकेंसीज निकल कर आ रहा है हमारे सामने, वो निकल कर आ रहा है आपका सर्कल बेस्ड ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो 3850 वैकेंसीज है, जो बहुत बड़ा है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपके माइंड में डाउट क्रिएट हो सकता है, वो मैं डाउट आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, 3850 वैकेंसीज तो निकला ही निकला है हर एक स्टेट के लिए निकला है, क्योंकि आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी भर्ती निकलता है वो ऑल ओवर इंडिया निकलता है, ये तो आप क्लियर हो गए ना। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो 27 जुलाई को आया था, यानी 27 जुलाई से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट जो है वो 16 अगस्त है, ये आप याद रखिएगा। जो मेन चीज है यहां पर ना, जो एप्लीकेशन फीस है वो ₹750 लगने वाला है, और ST SC और PW कैंडिडेट्स के लिए एक भी रुपया जो है वो नहीं लगेगा, ये क्लियर हो गया। एज जो है, देखो जो एज बोला गया है ना, आपका उम्र जो है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं है, 30 साल से कम उम्र है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना किसी डाउट का, और SBI.CO.IN पर जाकर इस एप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप जानते हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सब आप कुछ भी आप ले लो, आपका वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आप एग्जाम बिल्कुल से दे पाओगे, अगर आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स है आपके पास तो। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहां पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, आप कम से कम ग्रेजुएशन मांगा है, ये होना चाहिए, और एज लिमिट बता चुका हूं कि 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक बात, बाकी ST SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, जैसे होता है बराबर से वो दिया गया है छूट एज में। अब एक चीज आप याद रखिएगा यहां पर ना, कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल भाषा है वहां का, वो कम से कम उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। और एक बैड न्यूज ये है आप सभी के सामने इस वैकेंसीज को लेकर, कि आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, किसी भी ऑफिसियल एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या रीजनल रूरल बैंक में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। यह एक आपका फ्रेशर के लिए नहीं है, तो आप बोल सकते हो फ्रेशर के लिए कम से कम आपको रुकना पड़ेगा स्टेट बैंक PO का जब तक वैकेंसीज नहीं आ जाता है। इसलिए मैंने आपको यह बता दिया, अगर कोई है आपकी नजर में तो उनको बता दीजिएगा, बहुत रॉयल जॉब है, ठीक है, ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर वाला जॉब। अगर मैं अगली जॉब की बात करूं, तो यहां पर आप सभी देख पाओगे एंगेजमेंट ऑफ वन सहायक, बंगाली में वन सहायक लिखा गया है, तो वेस्ट बंगाल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2000 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, और यहां पर आप सभी को कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आपका जो भी मार्कशीट है, अगर आपका क्वालिफिकेशन क्लास 8 तक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में आपका ये जॉब लगेगा। ये भी चीज मेंशन कर दिया गया है, जो पैसा दिया जाएगा वो 10,000 महीने का दिया जाएगा, ठीक। अब कहां कहां पर है आप देख लो, मैंने बोल दिया सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए जो है यह जॉब है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं है यहां पर। हाँ, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है पहले ही, कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है क्लास 8 होना चाहिए, उम्र 18 से 40 साल होना चाहिए, ऑलमोस्ट पकड़ लो ये जॉब, ये फॉर्म जो है बंगाल के सारे नागरिक भर सकते हैं, 2000 वैकेंसी से, ठीक है। उसके बाद सेक्स नो बार, सभी कोई भर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, यानी सभी के लिए निकाल दिया गया है ये वाला। और क्वालिफिकेशन तो आप सभी को पता है, आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए वगैरह वगैरह। सिलेक्शन प्रोसेस आप जैसे मैंने आपको बताया, और सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख लो एक बार क्या है, तो यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताया गया है, यहां पर देखो, बंगाली आपको बोलना आना चाहिए, 30 नंबर मिलेगा,
लिखने अगर आता है तो 30 नंबर, 60 नंबर सिर्फ बोलने और लिखने पर आपको मिल जाएगा। अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक भी आता है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, वो भी ओरल मौखिक, तो वहां पर 20 नंबर है। और पर्सनैलिटी फिटनेस फॉर फॉरेस्टी वर्क, यानी आप जंगल में दौड़ धूप कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए आपको 10 नंबर, टोटल 100 नंबर दिए जाएंगे। इस टेस्ट से आपको जो है वो गुजरना पड़ेगा, यानी रिटेन टेस्ट नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है, आराम से आप दे सकते हो, ठीक है। यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी सभी अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी मेरे भाई बहन बंगाल से जुड़े हुए। वो सबसे ट्रेंडिंग जो निकला है आप सभी का, यही निकला है 1-3 वैकेंसीज अगस्त के महीने में। बाकी तो 15 पोस्ट, 20 पोस्ट, 30 पोस्ट, ऐसे तो हमेशा छिटपुट पोस्ट निकलता रहता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है मैं आप सभी को बता देता हूं, जो आप सभी को भरना चाहिए, ठीक है।